आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कोरोना का संकट देश और दुनिया पर जिस तरीके से शुमार है, जिसका प्रभाव छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर भी पड़ा है, लेकिन डबवाली के हम उस तबके की बात करेंगे जो लोग फुटपाथ पर या फिर सड़क के उस किनारे पर कई सालों से बैठकर मिट्टी के बर्तन बेचने का काम करते थे। अब इस कोरोना का संकट कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर उन लोगों पर भी पड़ा है। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको डबवाली के अनाज मंडी रोड पर दिखाऊंगा। ये लोग पिछले कई सालों से और इनका कई अरसों से इन लोगों का पुश्तैनी ये काम है कि ये लोग कुम्हार लोग हैं जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। और आम और देसी भाषा में इस मिट्टी के बर्तन यानी कि घड़े को किसान और एक गरीब के लिए उसका फ्रिज भी कहा जाता है। और काफ़ी हद तक जो मिट्टी के बर्तन है वो गर्मी में एक प्यास को बुझाने के लिए उस आम आदमी के लिए बहुत ही मददगार होते हैं कि यही वो एक गरीब का फ्रिज होता है मटका, जहाँ पर वो एक शीतलता का एहसास देता है। उस मिट्टी की सौंधी खुशबू पानी के साथ प्यास को भी संतुष्टि देती है। और लेकिन इस कोरोना संकट के चलते जहाँ पर अब लॉकडाउन है और ग्रामीण तबके के जो लोग हैं वो अब शहर में नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वायरस के चलते लोगों को ये भी भय है कि कहीं इस ख़रीदारी के साथ वायरस तो ना घर पहुंच जाए। लेकिन इस वायरस और इस कोरोना और इस पूरे संकट के बीच में इन लोगों की ऊपर रोजी रोटी के सवाल खड़ा हुआ है। आर्थिक संकट इन लोगों को कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है और जिसको लेकर काफ़ी ये लोग मायूस भी हैं। सर, कब से कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप डबवाली के अंदर और इस बार कैसे देखते हैं? कम से कम 35 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन पहले काम ठीक था और अब पहले कुछ जो ये रेलवे ने ये खंभे रोपे, पहले उधर था फुटपाथ पर, कुछ रेलवे खंभों ने जो अपनी जगह कवर कर ली तो हमारी जो रोजी रोटी पर जो है हानि हुई है, जो कि वहाँ से यहाँ पर ले आए हैं तो काम रुक गया, किसी ग्राहकों को पता नहीं चल रहा है। अगर चला है तो ग्राहक आता है, जैसे अब कोरोना से है, अगला कहता है मंडी में आ नहीं रहे, मंडी से सुबह 7 बजे निकलते हैं और अपना राशन पानी लेके निकल जाते हैं। जब तक हम घर से आते हैं जब तक कुछ नहीं होता, और अब क्या है दिन में कोई 10 मटके बिक जाते हैं तो कोई खर्चा नहीं चलता उसे। मतलब पहले से कितनी तुलना करके देखें, कितना आपको लगता है प्रभाव, कितना अब 25% रह गया जी, 100 में से 25 ही रह गया, ये 25% में क्या करेंगे हम? तो मतलब आपके पूरे परिवार का गुजारा इसी पर चल, इसी पे चल रहा है। अब जब लागत बहुत कम है, मतलब तो कैसे, क्या रेट भी बढ़े हैं मटके के? क्या तो बढ़े हैं, लेकिन वैसा रेट कम हो रहा है, जैसे हमने देहातों में जाते हैं बेचने के लिए जाते हैं, देहातों पे अब गांव वाले बनने नहीं देते, वो चमकते हैं भी तुम आप घर में आओगे तो भय लगता है इनको, वो दूर से कहते थे नहीं आना गांव में, नहीं आना गांव में, जैसे 4-10-15 आदमी बैठ जाते हैं कोई इस चीज़ को लेके चलते हैं, जैसे कोई लठ लेके बैठ जाता है, अगला डरता जाता नहीं यार कहीं वो गल ना पड़ जाए, ठीक है कहीं चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दे, तो इस कारण जो है हम गांव में जाना छोड़ रखा है। तो पहले तो ये था भी गांव में जाके टाइम पास कर लेते थे, दाना वगैरह ले आते थे, अब यहाँ पे इतना क्या है जो हमारे 500 रुपये की मसा सेल होती है। जैसे मतलब पहले गर्मी का सीज़न आता था, अब भी गर्मी आ चुकी है, पहले तो बड़ी लाइन लग जाती थी लोगों की, जाती थी। जब तो हमारे को सरकारी भी जैसे टेंडर हो गया, मार्केट कमेटी का टेंडर हो गया, अभी वो मार्केट कमेटी का भी टेंडर है जो क्या पता किधर से माल लिया किधर से नहीं, लेकिन मंडी से नहीं गया वो भी हमारे को चुना लगा है। जैसे मंडी के अंदर दाना मंडी होती है, मट्टी लेती है, घड़े वगैरह लेते हैं, उन्होंने भी नहीं लिए, सबसे बड़ा नुकसान वो भी हुआ है मंडी का, दाना मंडी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमारे को, जो कि हमारी अच्छी सेल थी। ये दुकानदार यही वो जो लोग हैं सड़क किनारे बैठकर मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेंड की बात करें, चाहे उसमें छोटे मटके की बात हो, गोलक की बात हो, चूल्हे से लेकर आपको तंदूर तक और बड़ा मटका छोटा मटका ये सब आपको आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे। एक और परिवार मेरे साथ है, माता जी यहीं पर, ये भी कई सालों से काम करते हैं। माता जी, कितना नुकसान लग रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है? नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया, 100 में से 25% ही है, काम नहीं है। तो क्या मिट्टी भी पहले की तुलना से महंगी होगी? मिल रही मिट्टी भी नहीं मिल रही, 10-10 हज़ार का लिए मंग रहे मिट्टी का ही, तो कहाँ से मिट्टी लाए, कहाँ से बर्तन बनाए, ना ही इतना पोत है काम करने की, तो सारा गुजारा ऐसे ही चल रहा है। क्या करेंगे, जो 5-4 मटके बिकेगे दिन में तो क्या, तो बर्तन वाले को दे देंगे, क्या आप घर में बर्त लेंगे? तो मतलब आपके पास लोग नहीं आ रहे अब? हाँ, लोग जमा नहीं आ रहे वायरस कोरोना वास्ते, कोई लोग नहीं आ रहे।
तो पहले शहर के लोग ज्यादा खरीदते थे या फिर गांव वाले ज्यादा? गांव वाले आते थे, शहर के भी आते थे, अब कोई गांव वाले भी इतने नहीं आते। गांव वाले तो बेचारा नान भी नहीं देते, और शहर वाले कोई क्या जी, कोई छोटा मटका है, कोई 5 किलो पानी वाला ले दे तो ले दे, नहीं तो कोई नहीं लेके जाता। तो परेशान हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा, और कोई काम ही नहीं कर सकते, क्या काम करें, कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि अब मंडियों में भी मतलब मटके नहीं है, घरों में मटके बहुत कम लोग यूज करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब फ्रिज होने के कारण जो अपने पढ़ी लिखी जनरेशन है वो घड़े को पसंद नहीं करती है, बहुत कम मात्रा में करती है। कोई बुजुर्ग बंदा है वो एक घड़ा लेके जाता है और एक घड़ा एक सीजन निकाल देता है, मुड़के उसको आवश्यकता नहीं पड़ती उस चीज़ की। तो इस कारण कि एक परिवार एक घड़ा लेके जाता है, तो मान लो कि हमारे पहले 100-100 घड़े बिक जाते थे एक एक दिन में, तो अब ऐसे है कि 5-7 घड़े एवरेज बाई आ गई है। तो उसमें क्या है, अगर मान लो हमने 80 रुपये घड़ा बेचा, 420 रुपये के बिके हैं, 420 में से क्या लागत होगी और क्या हम कमाएंगे और क्या खाएंगे, एवरेज बाई क्या आएगी? 200-250 रुपये पूरा परिवार लग रहा था 200-250 में, लेकिन गुजार होना बहुत मुश्किल है 200-250 में, आपको भी पता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ कुछ नया करे, जो कि हमारे काम को प्रोत्साहन मिले, नहीं तो हम नई नई पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ जाएगी इस काम को, क्योंकि इसमें रोजगार चलेगा नहीं तो हम क्या करें। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी है, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी है कि परवरिश सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक घर को कम से कम आज के डेट में 300 रुपये खर्चा मिनिमम चाहिए, और स्कूल की जो फीस है वो 5-6 हज़ार रुपये पर बच्चा हो गई है साल की। तो ये आपने सुना, हम उन लोगों से बातचीत कर पा रहे थे, और निश्चित तौर पर इस कोरोना का संकट हर आदमी के ऊपर पड़ा है कहीं ना कहीं, और हम आपसे अपील करते हैं कि आपको कोरोना से एहतियात के तौर पर घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी आप अपने घर में ये आदत जरूर रखें कि आपके घर में एक देसी मटका, देसी भाषा में कह लीजिए अगर पानी का आपके पास फ्रिज भी है तो ज़रूर है। इन लोगों को भी आर्थिक तौर पर सहयोग होगा, और आप जब भी डबाली आते हैं नियमों को आप पालना करते हुए, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एक मटका अपने घर में जरूर रखें, ताकि इन लोगों का भी जो घर बार है वो चल सके और इस संकट से ये लोग भी उभर सकें। और वैसे भी मिट्टी का घड़ा कई तरीके से गुणकारी होता है अगर आप घर के अंदर रखते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देश और दुनिया जिस तरीके से इस कोरोना वायरस से प्रभावित हुई है, तो वहीं पर अब हर वर्ग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, वो जरूर हुआ है। अगर आप हमें YouTube पर देख पा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर हैं तो पेज को फॉलो लाइक करें, वेबसाइट पर जा सकते हैं लॉगिन करें www.tejhariyana.in। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबाली।